हेलो स्टूडेंट्स, तो नीट 2023 जो बहुत फियर्स कंपटीशन था, उस कंपटीशन में विन करके 705 स्कोर किए हैं आउट ऑफ 720 पलक ने। आप जैसा कि जानते हैं कि सबसे टफेस्ट कंपटीशन नीट 23 के अंदर फेस किया स्टूडेंट्स ने, जहां पर एक एक मार्क पर 100-100 स्टूडेंट्स फाइट कर रहे थे, लेकिन फिर भी पलक ने स्कोर किया है 705 आउट ऑफ 720। और कैसी किया उन्होंने, आज मैं आपको मिलवाता हूं पलक से, और आपके कई सवालों के जवाब पलक देगी जो आप सोचते हैं, आपके दिमाग में चलते हैं प्रिपरेशन के टाइम पर, और कैसे आप भी इस 700 के मैजिकल फिगर को क्रॉस कर सकते हैं, ये सारे टिप्स आपको पलक देने वाले। तो आइए मिलते हैं पलक से और बात करते हैं। हेलो पलक। हाय सर, कैसे हो आप? अच्छी हूं। अच्छा, सबसे पहला सवाल मेरा पलक ये होगा कि कैसा लग रहा है आपको, सबसे पहली बात जो आपने ये एक माइलस्टोन अचीव किया है, सबसे पहले कैसे लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है, जो मेरा सपना था वो कामयाब होते देख रही हूँ मैं। अरे पलक, मैं हमेशा जब टॉपर से बात करता हूँ तो मैं एक ही बात पूछता हूँ कि जो मैं सोचता हूँ कि टॉपर्स कभी भी मार्क्स को दिमाग में लेकर तैयारी नहीं करते हैं, तो आपके दिमाग में ऐसा था कि आपको 700 प्लस या 720 या 715 इस तरह कोई स्कोर करना ही है? मेरा ऐसे मिनिमम था 680 अबव चाहिए, ऐसे एग्जैक्ट 700 या अबव ऐसा नहीं था कुछ। ऐसा कुछ नहीं, आपके दिमाग में था कि 680 प्लस तो लाना चाहे कुछ भी हो जाए। तो आपकी जो जर्नी थी उसके अंदर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का कंट्रीब्यूशन रहा है? हाँ, मतलब 11th में स्टार्टिंग में कोरोना था, तो 11th के हाफ पीरियड तक ऑनलाइन ही की थी, उसके बाद में से ऑफलाइन स्टडी स्टार्ट की। तो जब आप ऑनलाइन पढ़ते थे तो आपका शेड्यूल क्या रहता था, मतलब आप कैसे अपना लेक्चर्स कवर करते थे, उसके बाद जो आपका सेल्फ स्टडी का टाइम था उसमें आप क्या किया करते थे? 6 घंटे की क्लास होती थी, उसके बाद में सेल्फ स्टडी के लिए भी मैं टाइम निकाल लेती थी, क्योंकि घर में बैठते थे तो आने जाने का भी टाइम बच जाता था, जितना भी टाइम मिले मैं पूरा सेव करके उसको पढ़ाई में लगाती थी, और ऐसे ही ऑनलाइन का तो पूरा मैंने कंप्लीट किया था। तो आपने मतलब कितने आवर्स की आप सेल्फ स्टडी करते थे? स्टार्टिंग में 4-5 आवर्स की तो करती थी, और लेटर ऑन 7-8 आवर्स। 7-8 आवर्स, हाँ। अच्छा, जैसे मैं एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि शुरुआत में जो आपके टेस्ट हुआ करते थे उसमें आपके कितने मार्क्स आते थे? एकदम शुरुआत में सिलेबस कम होता है और इंथुसियाज्म में चाहता होता है, तो अच्छे मार्क्स आते थे, मतलब 690 अबव आते थे, पर बाद में 650 अबव, मतलब थोड़े कम होने लगे, और एंडिंग तक आते आते एक बार पूरा अच्छे से रिवाइज होने लगा, पूरा सिलेबस समझ में आ गया, फिर अच्छे मार्क्स आने लगे, मतलब 680 अबव 700 तक। कभी आपके मार्क्स 550-500 के रेंज में आए टेस्ट में? नहीं, 600 तक आए थे एक बार, सबसे कम 500 नहीं। मतलब आपके लोएस्ट स्कोर था वो 600 था, तो उस टाइम पर आपको क्या लगा कि 600, आप 680-690 कर रहे हो, फिर 600 कैसे आ गया एकदम से? तब मुझे पता था मेरी प्रिपरेशन पूरी नहीं हुई है और ये फाइनल नीट की एग्जाम नहीं है, तो मैंने खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस बरकरार रखा और आगे की तैयारी शुरू, जो गलतियाँ हुई है मुझसे उस टेस्ट में उसके ऊपर मैंने ध्यान दिया और उस पर काम किया आगे का। अच्छा, ये जैसे हम गलती वाली बात करें कि आपसे कुछ गलतियाँ हुई थी टेस्ट में, तो आपको कैसे पता लगता था कि मुझसे गलतियाँ हुई है? आप क्या पेपर एनालिसिस करते थे हर पेपर का एनालिसिस में करती थी, मतलब 3 घंटे का पेपर होता है, 3 आवर्स 20 मिनट्स का होता है, मैं 3 आवर में करती थी, और उसके बाद में 2 आवर्स, मतलब स्टार्टिंग में तो मिनिमम पेपर एनालिसिस के लिए लगते थे, और एंडिंग तक 1 आवर तक आने लगा, मतलब वो कंसेप्ट वहाँ पर वापस बुक में जाके नोट्स पढ़ के उसे फिर से समझती थी, फिजिक्स अगर रहा तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करती थी, ऐसा मतलब क्लियर करते गए कॉन्सेप्ट्स। अच्छा, आपने ऐसे कोई कॉपी या कुछ बनाया हुआ था इसमें आप लिखते थे कि टेस्ट में ये गलती हुआ है, मतलब इतना ये वाले क्वेश्चंस मेरे गलत थे, ये कॉन्सेप्ट गलत था? नहीं, ऐसा मतलब अलग से ऐसे नोटबुक तो नहीं बनाई थी, पर जब टेस्ट होती थी उसके तुरंत बाद में देख लेती थी मेरे क्या गलत हुआ है और उसका सोल्यूशन क्या आना चाहिए, मैं किस तरह से सोची वो सब, और बाद में तो मतलब मुझे समझ में भी आने लगा कि ये गलती बार बार रिपीट हो रही है, तो इसे करना चाहिए अच्छे से सॉल्व। अच्छा, आपके प्रिपरेशन में घर वालों का सपोर्ट बहुत रहा होगा और साथ में कोचिंग का सपोर्ट भी रहा होगा, तो बंसल क्लासेस का और आपकी फैमिली में आपकी मदर का बहुत सपोर्ट रहा है, जैसा मैं आपके बारे में पढ़ भी रहा था सारी चीज़ें, तो क्या क्या दोनों का योगदान रहा, मदर का भी और बंसल क्लासेस का भी? मेरी मदर का बहुत बड़ा योगदान है, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस में कभी कभी सेल्फ डाउट पे आ जाती थी कभी कभी, तो तब वापस से उस लेवल पे आने तक थोड़ा सा डिप्रेस हो जाती थी, एकदम नहीं, पर मेरी मम्मी ने फिर मुझे वापस से मतलब समझाया कि ये फाइनल नीट नहीं है और बहुत सारे टेस्ट देनी है, गलतियों पे काम करो ये सब, और बंसल क्लासेस के भी मतलब टेस्ट देते देते समझ में आया मुझे वापस इम्प्रूव इस पर करना चाहिए, कौन सा टॉपिक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए उसे। अच्छा, आपने मटेरियल पूरा सॉल्व किया है बंसल क्लासेस का, शीट जो आपको मिलती थी,
कितनी बार सॉल्व किया आपने हर एक चैप्टर को? मैंने एक ही बार किया ऐसा, पर मैं जो इम्पोर्टेंट लगता था वो हाईलाइट कर लेती थी, तो वापस देख सकते हैं हम वो, तो ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है टॉपिक्स है वो बस वापस करती थी, ऐसे पूरा नहीं करती हूँ। मतलब मेरे हिसाब से आप वो क्वेश्चन वापस करते जो आपसे पहली बार में नहीं हुए थे, रिविजन के टाइम पे आप उनको जरूर किया करते थे। चलिए बहुत ही बढ़िया। अच्छा जैसे मेरी बात अभी आपने बोला कि डिप्रेशन, कई लोग सोचते हैं कि जो बच्चे टॉप करते हैं अच्छा स्कोर करते हैं उनको डिप्रेशन नहीं आता, तो आपके साथ जब ऐसे फेजेस आए तो आपने अपनी मदर से बात की, तो क्या फील होता था आपको उस टाइम पर? उस टाइम पर पहले तो मतलब एक दो घंटे ऐसे निकल जाते थे समझने के लिए, फिर थोड़ा फ्रेश होने के लिए ऐसे यूट्यूब वगैरह चला लेती थी, पर बाद में वापस पढ़ाई तो करनी है आखिर में, तो और मदर का मोटिवेशन वो सब, तो बैठ जाती थी वापस स्टडी के लिए, आगे मतलब वो भूल कर आगे बढ़ने के लिए बैठ जाती। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, मतलब डिस्ट्रैक्शंस को आप बिल्कुल मिनिमम रखते थे। अच्छा मैंने नीट एस्पिरेंट्स के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी फिजिक्स की, सबसे ज़्यादा वो परेशान होते हैं फिजिक्स में, कोई ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें आप कभी परेशान हुए? स्टार्टिंग से फिजिक्स तो अच्छी थी, मतलब स्टार्टिंग में भी 180 आते थे कई बार। अच्छा आपने फिजिक्स अच्छी कैसे की अपनी? मैं ऐसे 10 के पहले से मुझे फिजिक्स अच्छी लगती थी, और मैंने मतलब आगे के कॉन्सेप्ट्स काइनेमेटिक्स वगैरह वो पहले ही सीख लिए थे, तो स्टार्टिंग में तो वही होता है वो मैकेनिक्स वो सब पार्ट, तो वो मुझे इसी जाता था, और बाद में फिर इंटरेस्ट भी आने लगा कि वो मुझे आ रहा है, उसमें अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो आगे ऐसे ही मतलब फिजिक्स में। आपका फिजिक्स फेवरेट था? हाँ स्टार्टिंग में मतलब 10 के पहले तो बायोलॉजी था फेवरेट, बाद में फिजिक्स भी हो गया, केमिस्ट्री थोड़ा सा वीक थी। अच्छा मैंने सुना कि आप आर्किटेक्ट बनना चाहते थे पहले, फिर एकदम से आपने स्विच किया, इस बताएंगे? मेरा एक फ्रेंड है, उसने मतलब मुझे रिकमेंड किया और उसने सब बताया कि मतलब खास तौर पे गर्ल्स के लिए ये साइड अच्छी है, मतलब आर्किटेक्चर से वो वहाँ पर साइड पे जाने का वगैरह सब काम से अच्छा, तो इसलिए, और मतलब बायोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट था ही पहले से, 10 के पहले से। तो आपको गियर स्विच करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो हम वापस एक क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे फिजिक्स में आप हमेशा से अच्छा स्कोर करते रहे और बायोलॉजी तो आपकी स्ट्रॉन्ग रही, केमिस्ट्री में थोड़े बहुत वीकनेसेस इश्यूज आए थे, तो जब आप नीट का पेपर दे रहे थे तो आपने स्टार्ट कहाँ से किया था सबसे पहले? मैं मतलब जब प्रिपरेशन टाइम था, टेस्ट चल रही थी, टेस्ट सीरीज, तब मैंने सब ट्राई कर लिया था और मैंने एक गोल सेट अपना कर लिया था कि पहले फिजिक्स करना है, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो। ज़्यादातर लोग बायो पहले करते हैं, बायो से स्टार्ट करते हैं, पर मैंने ऐसा ट्राई करके देखा तो मेरे सिली मिस्टेक्स, मतलब फिजिक्स में अगर एंडिंग में करूँ तो फास्ट करने के चक्कर में सिली मिस्टेक्स की चांसेस बढ़ जाते थे, तो इसलिए मैंने सोचा फिजिक्स ही पहले से करना चाहिए, तो वैसे मैंने ट्राई किया और वैसे ही सारे टेस्ट सॉल्व किए, तो नीट में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिर बायो। तो आप शुरू से ही फिजिक्स पहले ही किया करते थे क्योंकि आपको पता था कि लास्ट में ना मतलब फिजिक्स करने के चक्कर में गलती हो, तो आप देखो पॉइंट देखो इंपॉर्टेंट, सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, तो इनको क्लियर था कि अगर मैं बाद में फिजिक्स करूंगी तो मेरे मिस्टेक्स के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, तो उन्होंने पहले फिजिक्स करना शुरू किया। अच्छा आप जब टेस्ट दिया करते थे फिजिक्स में तो कितना टाइम देते थे शुरुआत में फिजिक्स में? 1 आवर तो लगता था, कभी कभी 1 आवर 15 मिनट्स में लग जाते थे अगर कैलकुलेशन वाला पार्ट ज़्यादा हो तो, नहीं तो 1 आवर या उसके अंदर करने की कोशिश करती थी। तो कभी ऐसा हुआ है कि 1 आवर 15 मिनट आपने यहाँ खर्च कर दिया और फिर आगे टाइम कम पड़ गया हो? ऐसे एक दो टेस्ट में लगा था, पर बाद में मुझे समझ में आया कि अगर फिजिक्स डिफिकल्ट है तो बायो इजी होगा या केमिस्ट्री इजी होगा, ऐसा एक सब्जेक्ट अगर डिफिकल्ट आ रहा है तो दूसरा कंपेरेटिवली थोड़ा इजी होता है, तो इतना बड़ा वो टेंशन लेने की बात नहीं, मतलब स्टार्टिंग में ऐसा लगता है जब फिजिक्स सॉल्व कर रहे हैं कि अपना बहुत टाइम खत्म हो गया, पर बाद पेपर करते करते वापस लिंक लग जाती है। तो देखिए यहाँ पे भी एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने मैनिपुलेट कर लिया था पहले चीज़ों पे, समझते हैं अच्छे से कि भाई फिजिक्स अगर स्ट्रॉन्ग मतलब हार्ड आया तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो इजी आएगा, तो ऑब्वियसली कई बार टेस्ट में इन्होंने फिजिक्स को ज़्यादा टाइम दिया लेकिन फिर उसको मैनेज कर लिया केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर, जो कि कई लोग नहीं कर पाते। तो ऐसा नहीं कि आप इनकी स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, आपको अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप करनी होगी, हर टेस्ट में अप्लाई करनी होगी, चेक करना होगा काम कर रही है या नहीं कर रही है। क्या आपकी शुरू से स्ट्रैटेजी काम कर रही थी? एकदम शुरू से नहीं, मतलब मैंने अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप की है, हाँ, तो मतलब मैंने खुद पे एनालाइज करके मतलब क्या गलतियाँ हो रही थी और कौन सा पहले सब्जेक्ट करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट में क्या क्वेश्चंस आने की चांसेस है, वो टेस्ट सॉल्व करते करते ही समझ में आता है, पहले से तो नहीं आता। अच्छा एनसीईआरटी का क्या इम्पोर्टेंस रहा? एनसीईआरटी का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, मतलब फिजिक्स का तो मैंने बायो की तरह रीड कर ली थी एनसीईआरटी, ज़्यादातर लोग नहीं करते फिजिक्स की, पर मैंने फिजिक्स की भी कर ली थी। उससे आपको फ़ायदा हुआ? हाँ बहुत फायदा हुआ, क्योंकि लाइन टू लाइन भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी,
हाँ ग्राफ्स भी आ जाते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं वो भी फिजिक्स में। और केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक एकदम बायो की तरह, फिजिकल केमिस्ट्री लाइक फिजिक्स मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी प्रैक्टिस करने के बाद मतलब मैथ्स की तरह हो जाता है वो टेंथ तक अगर देखें तो। अच्छा आपने PYQs वगैरह सॉल्व किए होंगे, तो सिर्फ नीट एम्स वाले किए या फिर आप इनऑर्गेनिक में या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली फिजिक्स में भी शायद कर सकते हैं कभी जेई मेन लेवल तक के क्वेश्चंस भी किए हैं आपने? अभी जेई मेन्स की एग्जाम हुई थी, मतलब नीट मई को थी और अप्रैल और जनवरी में हुई थी, तो मैंने वो पूरे क्वेश्चंस एक बार देख लिए थे, मतलब गो थ्रू किया था फिजिक्स और केमिस्ट्री के, मैथ्स तो ऑफ कोर्स नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री कर लिया। एक्चुअली मैं आपसे तो पहले मिलने से पहले मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि जेई मेन के क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और फिजिक्स के थोड़े हल्के क्वेश्चन को जरूर करने चाहिए, तो जैसे आपने किए तो आपको उससे फायदा हुआ मेन एग्जाम में? हाँ मतलब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं ना जेई के, तो मतलब नीट के तो ऐसे ही तो ईजी आएंगे पता है, तो वो अगर आ गए तो नीट के तो अच्छे से पेपर हो जाएगा ऐसा सोच लिया था मन में। अच्छा जब आपने नीट दे के आने के बाद अपने मार्क्स काउंट किए थे, कैलकुलेट किए थे आपने पहली बार? किए थे मतलब बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, उस टाइम 690 अबाउ तो आ रहे थे, मतलब एक दो इंस्टीट्यूट्स के हिसाब से इधर उधर एक दो मार्क मतलब एक दो क्वेश्चन 690 अबाउ तो थे ही पक्के, तो मैं बहुत खुश थी तब, मतलब 680 मेरा गोल था। हाँ और आपका गोल अचीव हो गया था, अब उसके ऊपर जो भी है अपने को बोनस है। नहीं चलिए बहुत ही बढ़िया, अब आगे के क्या प्लान्स हैं आपके? आगे सर खास कुछ सोचा नहीं है, मतलब स्पेशलाइजेशन सुबह स्पेशलाइजेशन किस में करना है, पर MBBS करते करते समझ में आ जाएगा वो अपना इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में। देखिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इन्होंने अभी तक कोई डिसाइड नहीं किया है कि ये न्यूरोसर्जन बनेंगे हार्ट सर्जन बनेंगे क्या बनेंगे, लेकिन जो इनकी जर्नी होगी MBBS की उसके दौरान जिसमें इनको इंटरेस्ट डेवलप होगा यूसी साइड मूव कर जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब इंटरेस्ट डेवलप होता है तो आदमी को किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप से चीज़ों को कैरी करके चलता है और काम करता है। अच्छा NEET 23 में कॉम्पिटिशन बहुत हाई था है ना, मुझे लगता है NEET 24 में और ज़्यादा हाई होगा, तो कुछ आप कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स को जिससे उनको फ़ायदा हो जो NEET 24 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? नंबर से तो बिल्कुल नहीं डरना है, मतलब 21 लाख बच्चों ने एनरोल किया है, मतलब वो फॉर्म भरा है वो देख के लोग डर जाते हैं, पर उसमें से पढ़ाई करने वाले सिलेक्ट होने वाले फिर से 50,000 1 लाख के आसपास ही होते हैं, अपनी कॉम्पिटिशन उनमें से ही होती है, तो अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है, मतलब सबसे बड़ा की रोल है इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस का, अगर आपको खुद पर कॉन्फिडेंस है तो मैंने अच्छे से पढ़ाई की है तो आपको अच्छा मतलब सक्सेस आपके कदमों में है। ऐसे कोई 3 पॉइंटर्स जो आप कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, एक कोई गलती सबसे बड़ी जो उनको नहीं करनी चाहिए, दूसरा मोटिवेशन का कोई सोर्स, और तीसरा लाइक जैसे आपने बोला सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऐसी कोई की स्ट्रेटजी जो उनको हमेशा फॉलो करनी चाहिए किसी चीज़ को लेकर? सबसे पहला फियर, मतलब डर अगर बच्चों को लग रहा है मतलब जो गलतियाँ कर रहे हैं उसके लिए आप क्या कहना चाहो, क्या कोई एक पॉइंट कहना चाहो? डरना तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब मैंने देखा है बच्चे डाउट पूछने के लिए भी डरते हैं मतलब क्लासेस में, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक डाउट पूछ रहे हो तो आप ऐसा, अगर आपको लग रहा है कि आप मूर्ख हो रहे हो तो आप भी उस 5 मिनट के लिए हो रहे हो, और जो डाउट नहीं पूछते वो हमेशा के लिए हो जाते हैं, तो हाँ बहुत, मैं तो बहुत ज़्यादा डाउट्स पूछती थी, मतलब बहुत सर का है मैंने। चलिए तो पहला पॉइंट, डाउट पूछने से आपको डरना नहीं है, मोटिवेशन मंत्र सेल्फ कॉन्फिडेंस ही मतलब मेन मेरा मोटिवेशन। हाँ मतलब जो टॉपर्स हैं उनकी वीडियो मैं देखती थी कभी कभी, और मतलब उनको देख के मुझे लगता था अरे मैं भी ऐसा ही कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था मैं राइट ट्रैक पे हूँ, ये मोटिवेशन का सोर्स है। चलिए वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, और बस इसी के साथ साथ हम आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहेंगे फ्यूचर के लिए, आप बहुत अच्छा करें लाइफ के अंदर और बहुत बड़े डॉक्टर आप बने, सभी का नाम रोशन करें। और इसी के साथ साथ अगर आप लोगों के भी कोई इस तरह के क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं, आई होप हम लोग वापस से पलक से रिकनेक्ट करके आपके लिए उन क्वेश्चंस के आंसर्स लेकर आएंगे। बट पॉइंट यही है कि आपको अपने गोल के ऊपर फोकस्ड रहना है, कॉम्पिटिशन बढ़ेगा ही, कम नहीं होने वाला है। अच्छा आपको पता है इस बार NTA हट गया है नीट से है ना, तो नेक्स्ट ईयर देखते हैं नीट NMC कैसे करवाता है, ठीक है, तो कॉम्पिटिशन और बढ़ेगा क्योंकि उन्होंने कुछ कम ऐसा होने वाला नहीं है, सेम कंपटीशन रहेगा सेम लेवल रहेगा, बस आपको अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना और सेल्फ डाउट नहीं लेकर आना। मुझे बहुत अच्छी बात लगी पलक से बात करी, सेल्फ डाउट जब आए तो किसी ऐसे सोर्स से, अपने पेरेंट हो सकते हैं फ्रेंड हो सकते हैं टीचर से बात करें, क्योंकि कई बार आप अपनी पावर्स को अपनी एबिलिटीज को नहीं पहचानते हो, सामने वाला पहचान सकता है और वो आपको बता सकता है कि तेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है,
जैसा आपके केस में आपकी मम्मा ने आपको सिखाया कि नहीं नहीं आपके अंदर इससे ज्यादा कैपेबिलिटी है और उस वो आपके लिए ड्राइविंग फोर्स बना, तो ऐसा ही फोर्स आप लोगों को भी जनरेट करना होगा। और हमारी तरफ से आप सभी को, पूरे बंसल क्लासेस परिवार की तरफ से आप सभी को नीट 24 के लिए ऑल द बेस्ट।